Welcome guys, and this is the last video of deflection of beams. In previous videos we have already discussed regarding double integration method, Macaulay's method and Maxwell's theorem jo ki reciprocal theorem thi, and we have also discussed regarding a Mohr's moment area method, and now we are going to discuss about Castiglione's method. Acha ek cheez maybe I missed to mention in Maxwell's this video ki Maxwell's theorem is applicable only when there is a constant EI. Okay, constant EI hoga and the concentrated loads are there. Okay, so concentrated load and constant EI ke case mein hi Maxwell's reciprocal theorem use kiya ja sakta hai, uske alawa nahi use kar sakte. Now coming to Castiglione's method, so since we are talking about the bending energy, the bending moments, to yahan pe strain energy ki baat karenge, and strain energy for a bending moment is equal to m square dx divided by 2 EI. Okay, IBM उसी के corresponding लेंगे, और जिस भी दो पॉइंट के बीच में हमको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट. ओके, नाउ बेस्ड अपॉन दिस वी कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ए और द स्लोप एट एनी पॉइंट ए. स्लोप विल बी गिवन बाय डेल यू बाय डेल एम. कंडीशन इज दिस एम हैज टू एक्ट ऑन दैट पॉइंट. ये एम जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लग रहा होगा. एंड डेल्टा यू वी कैन कैलकुलेट बाय डेल यू बाय डेल पी. अगेन कंडीशन इज दिस पी इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली. ठीक है, अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी नहीं समझ में आती है या फिर निकालने में कोई इश्यू है, तो आई हैव मेड द स्ट्रेन एनर्जी वीडियोस एंड आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक देम आउट. यू कैन सी हाउ वी कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी फॉर एनी गिवन कंडीशन ऑफ द बीम. ओके, नाउ इन फॉर्मूले को देखते हैं. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इफ आई एम हैविंग ए सिंपली सपोर्टेड बीम, आई नीड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट. ये डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, मेरे को इसका डिफ्लेक्शन निकालना है एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे पी लोड लग रहा है, तो मैं इसकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखूंगा और मैं उसको पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, यानी कि डेल यू बाय डेल पी कर दूंगा. तो दैट विल गिव मी द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट. ओके, बट इन केस लोड यही लग रहा है, लोडिंग कंडीशन इज दिस ओनली, आई नीड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट. ओके, अगर मुझे इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, सिंस आई एम नॉट हैविंग एनी लोड एट दिस पॉइंट, सो आई विल यूज अ डमी लोड हियर. ओके, लेट्स से पी डी, डमी लोड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मतलब लोड वहां पे है नहीं, आई एम ओनली यूजिंग इट. वो डमी लोड यूज करके आई विल कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, देन उसमें मैं क्या करूंगा, डेल यू बाई डेल पी डी करूंगा, पी डी के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि डमी लोड है, और जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वहां पे फिर मैं पी डी की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में पी डी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एंड दैट वैल्यू विल गिव मी डेल्टा ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सिमिलर चीज मोमेंट के लिए होगी, जैसे इसी केस में, सॉरी इसके स्लोप के लिए होगी. अगर यहां पे कुछ एक्सटर्नल दे रखा होता हमको कि मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तब मुझे इस केस में यहां पे स्लोप निकालना है कितना होगा, तो आई कैन डायरेक्टली से डेल यू बाय डेल एम. ओके, बट इन केस यहां पे मेरे को कोई मोमेंट नहीं दे रखा होता, या फिर लेट्स से मेरे को इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो आई विल हैव टू यूज अ डमी मोमेंट देयर. ठीक है, एम डी मुझे वहां पे यूज करना पड़ेगा. आई विल राइट द स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दैट एम डी. वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखने के बाद मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आई विल पुट एम डी इक्वल टू जीरो, और जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा वो आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो बस एक ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, बाकी स्ट्रेन एनर्जी एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी कैस्टिग्लियानोस मेथड में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जाम्पल से, कैसे अप्लाई करना है कैस्टिग्लियानो को. तो पहला यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कैंटिलीवर बीम है मेरे पास में. ओके, और कैंटिलीवर बीम पे एक एक्सटर्नल मोमेंट लगा हुआ है, ये मोमेंट यहाँ पे लग रहा है. कैंटिलीवर बीम की लेंथ है एल, ये पॉइंट को मैंने ए अज्यूम कर लिया. सो आई नीड टू कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे कितना स्लोप होगा, फिर फ्री एंड पे कितना स्लोप होगा, या फिर मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट. आई एम गोइंग टू यूज द कैस्टिग्लियानोस थ्योरम. तो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम क्या बोलता है कि थीटा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एम. ओके, मेरे को थीटा एट ए निकालना है, तो थीटा टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एम एट ए. ओके, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट यू. U की वैल्यू क्या है? U इज एम स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टू ई आई, सिंपली U की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई. और इसको मैं जीरो से एल के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, सो दिस विल गिव मी एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एम. तो एम के साथ अगर इसका डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो डेल यू बाय डेल एम विल बिकम एम एल अपॉन ई आई, जो कि अपनी क्या होगी, थीटा की वैल्यू.
ओके तो फ्री एंड का जो थीटा है दैट इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए, तो ये कैस्टिग्लियानो थ्योरम या फिर मोमेंट एरिया थ्योरम से कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जो काफी इजी कर देती है, मतलब डबल इंटीग्रेशन तुम्हें बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बट कैस्टिग्लियानो यूज करो या फिर मोमेंट एरिया यूज करो द थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी इजी. ओके नाउ नेक्स्ट लेट्स से आई नीड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट ए. ओके आई नीड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एंड आई नो कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल पी जो कि ए पे एक्ट लग रहा है. ठीक है बट देर इज नो लोड एट दिस पॉइंट, देर इज ओनली मोमेंट, लोड कुछ नहीं इस पॉइंट पे. तो मैं क्या करूंगा उस केस में, एक लोड एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा जिसको डमी लोड बोलेंगे. ओके तो लेट्स से कि मैंने यहां पे एक लोड लगा दिया पीडी, एक डमी लोड लगा दिया मैंने यहां पे पीडी जो कि इस डायरेक्शन में, मैंने इसलिए अज्यूम कर लिया इसको कि डेल्टा उसी डायरेक्शन में आ रहा है, वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं बट ठीक है डेल्टा के डायरेक्शन में ही मैंने पी को अज्यूम कर लिया. ओके तो डेल यू बाय डेल पी ए, तो यहां पर यू जब हम लिखेंगे तो यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए सिंपली, बट एम एक्स यहां पर अब क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई भी एक जनरल एक्स ले लेता हूं तो जनरल एक्स पे मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट की वैल्यू उस पर होगी एम माइनस पी एक्स. ठीक है तो दैट इज बेसिकली एम माइनस पी डी एक्स इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन टू ए, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. ओके दिस थिंग आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट. तो देखो यहां पर बेसिकली दो चीजें हैं कि हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लेना है. ओके तो इफ यू नो मैथमेटिकली स्पीकिंग इफ यू नो द हाउ टू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन तो तुम इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो. अगर इसे अंदर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो उसमें यहां पे 3 तक पावर पहुंच जाएगी तो 3 की पावर 6 तक जाएगी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस केस में इट विल बी बेटर कि तुम इंटीग्रेशन के अंदर ही डिफरेंशिएशन को लेकर चले जाओ. ओके और अंदर ले जाके तुम वहां पे फिर वैल्यू कैलकुलेट करो फिर बाद में पुट कर दो. ओके बट अगर तुम्हें नहीं आता इन केस हो कि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे करना है तो यू सिंपली फर्स्ट इंटीग्रेट देन डिफरेंशिएट. ओके कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस अपर वैल्यू बिकम्स एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी राइट इंटू डी एक्स अपॉन टू ई आई, और इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर एल तक. ठीक है तो लेट्स सी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा. यू इज इक्वल टू दिस विल बिकम समथिंग लाइक एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई राइट, देन दिस थिंग विल बिकम पी डी स्क्वायर अपॉन टू ई आई इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस दिस थिंग विल बिकम 2m पी डी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू हमारी 0 से लेके एल तक ठीक है देखिए बात 0 से लेके एल तक ये जो है इंटीग्रेट हो रही है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं 0 से लेके एल तक इसकी वैल्यू क्या आ रही है. तो 0 से लेके एल तक में द मोमेंट वैल्यू विल बी समथिंग लाइक ओके ठीक बेसिकली सब जगह एल ही रखना है तो एल रख देंगे, और जब इसको हम पीडी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एल रखने के बाद में तो पीडी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस टर्म इज 0 क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं पीडी के रेस्पेक्ट में, पीडी के रेस्पेक्ट में ये चीज कॉन्स्टेंट है राइट. और इस टर्म की जो वैल्यू होगी पीडी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगी 2 into PD into समथिंग आएगा राइट. तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0 क्योंकि पीडी को हमको फाइनली 0 करना है, पीडी इज डमी वेरिएबल. ओके अब ये जो वैल्यू बचता है दैट इज हाउ मच माइनस 2 से तो 2 कट गया एम पीडी के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एम एक्स स्क्वायर ये आने वाला था खाली राइट, पीडी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका यही आएगा डिवाइडेड बाय 2 ई आई. ओके एक्स की वैल्यू क्या है एल है तो एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई. ओके दैट इज माय डिफ्लेक्शन एट दिस एंड. ठीक है मैं एक बार फिर से इसको अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इनकेस अगर ज्यादा हो गया ज्यादा जल्दी हो गया तो. पहला जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन ये आ गया ठीक है, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन ये आ गया और तीसरे टर्म का इंटीग्रेशन ये आ गया, 3 टर्म्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन वैल्यू फ्रॉम 0 to L, तो मैं यहां पे सबको एक्स को एल से रिप्लेस कर दूंगा तो 0 से लेकर एल तक की मेरी वैल्यू आ जाएगी, देन आई विल डिफरेंशिएट इट. ओके तो उसके बाद में मैं डेल यू बाई डेल पी डी करूंगा, पीडी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करूंगा सारी वैल्यूज को ठीक है. तो ये जो वैल्यू है ये पीडी के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है, यहां पर पीडी नहीं है, ये वैल्यू पीडी के रेस्पेक्ट में जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 PD आएगा, बट पीडी को हमें को आगे जाके 0 पुट करना है तो 2 into PD आएगा दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो 0 माइनस ये जो टर्म है तो पीडी के अलावा जो बचता है वो सारा कांस्टेंट है, p
PD into some constant है, तो that is the value of this differentiation. अब यहाँ पे PD की value तो हमने पूरी zero कर दी, यहाँ पे zero कर दी, इसमें तो है ही नहीं तो zero नहीं करेंगे, तो this remains my final value, that is ML square upon 2A. तो जो delta की value है cantilever beam के लिए at the free end, that is ML square upon 2A, और उसके जो slope की value थी, that was ML upon EI. Okay? तो यहाँ पे क्योंकि हमें डमी वेरिएबल लेना पड़ा, तो डमी जब लेते हैं तो हल्का सा लगता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट यूजुअली जो होगा ये जो कैस्टिग्लियानोज मेथड है ना, काफी इजी है कंपैरेटिवली. मतलब मोर्स मेथड जो है, मतलब मोमेंटेरियम मेथड है, वो सबसे इजी माना जाता है, और उसके बाद में कैस्टिग्लियानो वगैरह का मेथड है. ओके, नाउ लेट्स से आई एम हैविंग द सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे मेरा दो सपोर्ट्स है, देयर इज ए डब्ल्यू एक्टिंग ओवर हियर, और पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज आई नीड माय वाई एट बी, तो पॉइंट बी पे डेल्टा कितना होगा, वाई कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ऑल द सेम थिंग्स ओनली. ठीक है, तो वाई एट बी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई विल कैलकुलेट द यू फर्स्ट एंड आई विल डिफ्रेंशिएट दैट यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू. ओके, यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसलिए लिखते हैं बार बार कि यू जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसलिए हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके, तो डेल यू डिवाइड बाई डेल डब्ल्यू, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या कि यू कितना. ओके, तो इसका यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन है दोज विल बी, अगर ये डिस्टेंस अपनी है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी, तो दिस विल बिकम डब्ल्यू बी बाई एल, दिस विल बिकम डब्ल्यू ए बाई एल, राइट. ये दोनों हमारे जो है रिएक्शन होंगे और यहां पे हमारा लग रहा होगा डब्ल्यू. ओके, अब इसकी पूरी स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए आई एम डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इज दिस, अनदर पार्ट इज दिस. ओके, पार्ट वन क्योंकि यहां से यहां तक मूवमेंट की एक इक्वेशन है, यहां से यहां तक मूवमेंट की एक दूसरी इक्वेशन है, तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यू वन प्लस यू टू. ठीक है, तो यू वन के लिए जो है मूवमेंट का इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स, राइट. तो दैट विल बी डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई टू ए, सिंपली ये है, राइट. ये हो गई यू वन का वैल्यू. यू टू की वैल्यू क्या होगी, यू टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहां पे इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो मैं मोमेंट की इक्वेशन यहां लिखूंगा, इस तरफ से लिखूं. ओके, तो इस तरफ से लिखूंगा तो दैट विल बी हाउ मच मोमेंट आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल. ओके, या तो मैं ये लिख दूं. ओके, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं कि मोमेंट की इक्वेशन इस तरफ से लिख दूं, यानी कि एक्स में यहां से अज्यूम कर लो. ओके, इस तरफ से जब मैं लिखूंगा तो ये तो इंटीग्रेट होगा फ्रॉम जीरो टू ए, जीरो से लेकर ए तक ये खाली इंटीग्रेट होगा. ठीक है, यू टू के लिए अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो उसमें इंटीग्रेशन आता फ्रॉम ए टू ए प्लस बी या फिर ए टू एल. ओके, ये इंटीग्रेशन आता, लेकिन अगर मैं इसी चीज को इधर से लिख देता हूं तो जब मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू ए एक्स अपॉन एल होगी मोमेंट की वैल्यू, राइट. और ये मोमेंट की वैल्यू जो मेरी इंटीग्रेट होगी, दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू बी, जीरो से लेकर बी तक ही खाली इंटीग्रेट होगा. ओके, तो मैं ये भी यूज कर सकता हूं और ये भी यूज कर सकता हूं, एंड आई विल एड दिस टू वैल्यूज. ओके, सो यू टू इज इक्वल टू जीरो टू बी डब्ल्यू बी अपॉन एल एक्स स्क्वायर dx upon 2a. Okay. अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है, x की जगह कुछ और लिख दो, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. ओके, तो u1 वन की u2 की हम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट. तो u1 बिकम्स, इसको याद भी रखा जा सकता है, दिस इज समथिंग लाइक p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6ei. ओके, इस चीज को तुम याद रख सकते हो, जब p लोड लगता है तो यह आता है p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6ei. ठीक है, ये अपनी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू, राइट. वही यहां से जब इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे तो ये इसी फॉर्मेट में आएगी, तो अपना पी जो लग रहा है बेसिकली कितना, डब्ल्यू बाई एल पहले केस में, तो पी स्क्वायर एल क्यूब, एल कितना है, ए है, एल क्यूब अपॉन टू ई. ओके, ये तो गया यू वन. ओके, और यू टू कितना है, यू टू की वैल्यू आप लिख देते होंगे, सिमिलरली ये आ जाएगी हमारी डब्ल्यू ए अपॉन एल, ये वाली रिएक्शन डब्ल्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू बी क्यूब डिवाइडेड अपॉन. ओके, दैट इज माई नेट स्ट्रेन एनर्जी. तो यू इज इक्वल टू बेसिकली डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ई आई इंटू, नीचे एक एल स्क्वायर भी है और ऊपर में क्या है,
ऊपर में अपना बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब ये वैल्यू राइट। इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो दिस विल रिमेन ए प्लस बी, तो ये बच जाएगा बेसिकली अपना डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एल इंटू टू ई आई, ठीक है ये बच गया है फाइनली राइट ना, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से भी कॉमन यहां से भी कॉमन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू एल, तो एल से लेकर कट जाएगा तो ये यू का वैल्यू आ गया। नाउ आई कैन से कि माई डेल्टा एट बी इज इक्वल टू डेल यू डिवाइड बाई डेल डब्ल्यू, तो इसको डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो वी विल गेट टू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू एल ई आई, ओके तो डिफ्रेंशिएशन शुड बी ओके ओके सॉरी ये सिक्स ई आई था ऊपर सिक्स लिखा यहाँ सिक्स लिखना बोल गया मैं, ये सिक्स ई आई था अपना सो दैट इज सिक्स ई आई ओके सिक्स ई आई है तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री एल ई आई राइट, दैट इज माई डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट वेर दिस लोड इज एक्टिव, तो जहां पर लोड एक्ट कर रहा है वहां पर मेरा इतना डिफ्लेक्शन आएगा। कैस्टिग्लियानो की हेल्प से इसको काफी हमने फास्ट भी कर लिया बेसिकली, अगर हम इसमें कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं मोमेंट एरिया मेथड उसको अगर हम यूज करते हैं तो ये वैल्यूज क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएबल्स में है तो मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट कैस्टिग्लियानो से कंपेरेटिवली ईजिली हो जाता है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ओके नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है वी आर गोइंग टू टेक ए मोमेंट बेस्ड एग्जाम्पल अब यहाँ पे लेंगे हम, तो ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है ओके और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक मोमेंट लग रहा है एम एट अ डिस्टेंस ऑफ एल, यहाँ पे एम लग रहा है और ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ एक्शन दैट इज एल फ्रॉम हेयर एंड एल फ्रॉम हेयर ओके, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू कैलकुलेट द स्लोप एट द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है अपना उसके ऊपर स्लोप क्या आएगा ओके तो स्लोप के निकले सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा दैट थीटा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एम ओके, उस पॉइंट पर एम लगी रहे तो एक्स्ट्रा डमी लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेना, स्ट्रेन एनर्जी कैन बी रिटर्न एज इफ दिस इज माई पार्ट वन दिस इज माई पार्ट टू तो यू वन प्लस यू टू अगेन राइट, अब यू वन कितना होगा यू टू कितना होगा उसके लिए मेरे को इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेंगी ओके, तो रिएक्शन कितनी होंगे इफ देर इज अ लोड एम एक्टिंग ओवर हेयर तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर दो रिएक्शन आएंगे, एक रिएक्शन इधर आएगी एक रिएक्शन इधर आएगी, इसको बैलेंस करने के लिए जो यहां रिएक्शन आएगी दैट हैज टू बी दिस डायरेक्शन ओके, ये इधर है तो इधर एक रिएक्शन आनी चाहिए और अगर ये एम है तो एम बाई टू एल की रिएक्शन आनी चाहिए राइट, तभी बैलेंस होगा ना, और अगर ये एम बाई टू एल की रिएक्शन इधर यहां पे इस डायरेक्शन में आ गई तो यहां पे जो रिएक्शन आएगी दैट विल बी अपोजिट डायरेक्शन उसको बैलेंस करने के लिए एंड वैल्यू विल बी एम बाई टू एल ओनली ओके सिंपल, तो एम बाई टू एल का रिएक्शन लग रहा है ये एम लग रहा है, आई नीड टू राइट नाउ यू वन एंड यू टू एंड आई हैव टोल्ड यू कि यू वन जो होता है लोड के लिए क्या होता है पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई, ठीक है तो इस पार्ट को लिए मैं देखूंगा तो एक ही रिएक्शन लग रहा है एक रिएक्शन लोड लग रहा है तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं और इस पार्ट के लिए मैं इधर से लिख सकता हूं, तो मेरे को इस मूवमेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं बेसिकली, तो यू वन की वैल्यू क्या होगी एम अपॉन टू एल पी स्क्वायर एल क्यूब क्या लेंथ पे लग रहा है डिवाइडेड बाई टू ई आई सॉरी फिर से टू लिखना सिक्स ई आई, ठीक है प्लस यू टू क्या होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज ऑल्सो एम बाई टू एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई, दैट इज बेसिकली सिमेट्रिक सिमेट्रिक बोल रहा हूँ नेगेटिव में है बट नेगेटिव का कुछ इफेक्ट नहीं होता ना यहाँ पे क्योंकि हमें स्क्वायर करना है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, तो बेसिकली दोनों एड अप हो जाएंगे तो यू फाइनली बिकम्स यू की वैल्यू अपनी आ जाएगी एम स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ई आई एल स्क्वायर, अगर इसको मैं अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल यू बाई डेल एम करूंगा और ये एल स्क्वायर से ऊपर का एल कट जाएगा तो दिस विल बी बेसिकली एम एल अपॉन सिक्स सिक्स ओके दैट इज माय थीटा, ये है स्लोप की वैल्यू एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट ए पे स्लोप का वैल्यू जाना था वो आएगा, अगर मेरे को इसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता कि लेट्स अज्यूम कि यहां पे एक डमी फोर्स लग रहा है पी ओके और उस पी के हेल्प से यहां पे रिएक्शन भी दोबारा लिखता, रिएक्शन यहां पे चेंज होती तो मेरा मोमेंट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता, मोमेंट का एक्सप्रेशन का चेंज होकर मैं नेट स्ट्रेन एनर्जी निकालता और फिर उसको पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता और फिर पी की वैल्यू जीरो कर देता ओके सिंपल है, टफ ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है इसका सिंपल ही ओके। अभी कुछ और छोटे मोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें और बेसिकली ये क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना हमारा
कहाँ कहाँ पे कैस्टिग्लियानो यूज करेंगे तो ईजी रहेगा. जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज्यादा हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमको मालूम रहेगा कि ये वाला पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है ये लेट्स से कि कास्टिग्लियानो से इजीली सॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो देर इज अ लोड डब्ल्यू एक्टिंग ओवर दिस पॉइंट, दिस लेंथ इज एल बाई फोर. ओके, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट. ओके, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर इसको मैं ए मान लूं तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए. ओके, सो आई नो कि डिफ्लेक्शन कैन बी रिटन एज डेल यू बाई डेल पी, क्योंकि उसी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बेसिकली इसके लिए. ठीक है, तो डब्ल्यू के टर्म्स में मेरे को स्ट्रेन एनर्जी लिखनी पड़ेगी, एंड स्ट्रेन एनर्जी के लिए मेरे को सिंपल रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे. ओके, तो रिएक्शंस इसके क्या होंगे, देखो इसको देख के ही पता लगता है कि अगर ये लोड इस तरफ लग रहा है तो यहां पे भी रिएक्शन इस तरफ ही आएगी. ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू बाई फोर होगी. डिस्टेंस एल बाई फोर, इसकी वैल्यू डब्ल्यू बाई फोर होगी. और अगर ये डब्ल्यू बाई फोर है, ये डब्ल्यू है, तो बीच का रिएक्शन भी वी कैन कैलकुलेट, दोनों का एडिशन होगा, फाइव डब्ल्यू बाई फोर होगा, बट वी डोंट नीड दैट. ठीक है, इसकी स्ट्रेन एनर्जी फिर से मैं क्या लिखूंगा, इसका पार्ट, इसको इधर से, दोनों को मैंने एडअप कर दिया, तो पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई, यानी कि पी स्क्वायर एल कितना, एल बाई फोर, एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई प्लस पी स्क्वायर यानी कि डब्ल्यू बाई फोर इस तरफ से इन टू एल क्यूब एल है उसके लिए डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई, दैट इज इक्वल टू माई नेट स्ट्रेन एनर्जी. इस स्ट्रेन एनर्जी को मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में दिस बिकम सम 7/24 एम स्क्वायर एल अपॉन ई आई. तो जो डेल्टा की वैल्यू है एट पॉइंट ए, दैट इज दैट विल बिकम, अच्छा अच्छा ये 7/4, ये हम दूसरे का देख रहे इधर, सॉरी ये वाली इतनी हुई. इनको दोनों को जब ऐड करोगे ना तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक 5/16 × 24 डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई, ये हो जाएगा. और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो डेल्टा ए विल बी 5/192 × W L³ अपॉन ई आई, दैट इज माई डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट. उस पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो यहां पर हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ ये जो क्वेश्चंस हो गए अपने, थोड़े से बेसिक से क्वेश्चंस हो गए हैं डिफ्लेक्शन निकालने के या फिर अपना स्लोप निकालने के कास्टिग्लियानो को यूज करके. ठीक है, और ऐसा ना खुद कास्टिग्लियानो का अगर क्वेश्चन आता भी, यूजुअली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता. थ्योरी में अगर क्वेश्चन आएगा तो मे बी फिर वहां पर कॉम्प्लिकेशन रेज कर दें ताकि एग्जैक्ट उसको मतलब क्वेश्चन का आंसर देख के समझ में आए कि सामने वाले को भाई कंसेप्ट मालूम भी है कि नहीं मालूम. ओके, तो लेट्स से दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम पे आई हैव पुट ए मोमेंट एम हेयर एंड दिस डिस्टेंस इज एल बाई फोर. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज एल. अगेन आई नीड टू कैलकुलेट द दिस स्लोप एट दिस पॉइंट. ओके, इस पॉइंट पे जो है मेरा पॉइंट ए पे स्लोप कितना होगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले क्या करूंगा, रिएक्शंस कैलकुलेट करूंगा. ओके, रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट के अबाउट जो है ये चीज बैलेंस होनी चाहिए. राइट, ये चीज बैलेंस कब होगी, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इसको इधर लेके जाएगा, यानी कि रिएक्शन हमारी कुछ इस तरफ आएगी. राइट, रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, आर विल बी इक्वल टू एम डिवाइड बाई एल, तभी बैलेंस हो पाएगा. और बीच में बीच का रिएक्शन भी लिख सकते हैं, बट वी एग्जैक्टली डोंट नीड दैट. लिखेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एम बाई एल आएगी बेसिकली. ओके, अब इसके लिए मेरे को यू लिखना है, तो इस पार्ट को, इस पार्ट का यू को एड कर दूंगा, तो यू इज इक्वल टू यू वन, यानी कि इसका यू, इसका यू कितना है, पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई आई. ठीक है, प्लस इस पार्ट का यू कितना, उस पर केवल मोमेंट लग रहा है, यानी कि एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, एल लेकिन यहां पर कितना, एल बाई फोर है. ठीक है, तो एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई. तो इस टाइप की चीजें जो आएंगी ना वो तुमको याद रखनी है, मतलब इसमें गलती नहीं कर देनी जल्दी जल्दी में कि इसको भी सिक्स ई आई के टाइप ही लिख दिया. सो दैट बिकम्स हम 7/24 × m² l/ei. और यहां से अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो थीटा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एम, दैट विल बी 7/12 ml/ei. ये मेरा थीटा हो गया एट दिस पॉइंट, जहां पे मेरा मोमेंट लग रहा था. ठीक है, हम थोड़ा सा इसको हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मतलब ये थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हो गए. अभी हल्का सा अगर इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो लेट्स से देयर इज अ बार सिस्टम ओवर हियर. ओके, एक बार का सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, जिसमें इधर एक लोड लग रहा है डब्ल्यू. ओके, ये डब्ल्यू लोड लग रहा है, दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज एल. आई नीड टू कैलकुलेट कि जहां पे ये डब्ल्यू लग रहा है
अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो व्हाट विल बी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, पॉइंट सी जो है वो कितना नीचे चला जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो हाउ आई विल डू दैट, अगेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू जितना भी आएगा डिवाइडेड बाय डेल डब्ल्यू, ठीक है. एंड डेल यू के लिए आई विल से कि डेल बाय डेल डब्ल्यू, यू क्या है, यू ऑफ ए बी पार्ट प्लस यू ऑफ बी सी पार्ट, ठीक है, ए बी पार्ट का एंड बी सी पार्ट का. ओके, तो बी सी पार्ट का तो सिंपल है, पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स, ये तो अपना बी सी पार्ट का. ए बी पार्ट का क्या होगा कि ए बी पार्ट के लिए ये यहां से यहां ट्रेवल करेगा जब लोड, तो एक तो इस लोड में कन्वर्ट हो जाएगा जो इधर डब्ल्यू लग रहा होगा, ठीक है, और दूसरा एक एक कपल बनाएगा, राइट, एक इस टाइप के कपल बना रहा होगा क्लॉक वाइज कपल, और उस कपल की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू इंटू एल होगी. तो अब क्या लग रहा है, इस पूरी के ऊपर कॉन्स्टेंट एम लग रहा है, राइट, तो कॉन्स्टेंट एम अगर लग रहा है तो यू ए बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एम कितना लग रहा है, डब्ल्यू इंटू एल लग रहा है, एम स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टू ए. ओके, ये दोनों अपने हो गए u की वैल्यू, तो नाउ वी कैन से यू ए बी प्लस यू बी सी, एंड यू ए बी प्लस बी सी करेंगे यहां पे, तो दैट विल बिकम समथिंग लाइक टू बाई थ्री डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल डब्ल्यू, एंड दैट इज दैट विल कम आउट टू बी फोर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई. ओके, ये अपना हो जाएगा इसका डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं. अभी एक सिमिलर सिस्टम लेते हैं, बस उसका जो ये चेंज कर देते हैं कि किस टाइप का सपोर्ट दे रखा है उसको, ठीक है. तो उसके लिए मैंने अभी यहां पे क्या किया, एक रोलर सपोर्ट टाइप चीज इधर है, इससे एक बीम लगी हुई है और यहां पे एक लोड लग रहा है पी. तो कंडीशंस वही है, ओनली हमने क्या कर दिया यहां पे, एक सपोर्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, रोटेट कर सकते हैं इसके सपोर्ट में, ठीक है, एक सपोर्ट मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दिया. तो इसका क्या इफेक्ट आएगा सपोर्ट प्रोवाइड करने का, सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से जो इसके यहां पे है ना, एक रिएक्शन जनरेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर रिएक्शन जनरेट हो जाएगी तो अपने स्ट्रेन एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन चेंज होगा, ठीक है. तो रिएक्शन क्या जनरेट होगी, लेट से देयर इज जनरेटिंग रिएक्शन आर ए हेयर, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, तो आर ए वर्टिकल एंड आर ए हॉरिजॉन्टल. ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी आएंगे रिएक्शन अपनी, तो आर बी हॉरिजॉन्टल एंड लेट से आर बी वर्टिकल. ओके, ये जो है रिएक्शन जनरेट होगी. अब इनकी रिएक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है, मेरे को स्ट्रेन एनर्जी लिखनी है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस पार्ट एंड स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस पार्ट. तो यू वन का तो सिंपल है, यू वन इज नथिंग बट पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, अगर ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है तो, ठीक है, दोनों लेंथ से एल, दोनों लेंथ मेरे को एल दे रखी, तो ये सिंपल है. ओके, तो यहां पे जब हम u इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू लिखेंगे, तो u1 का पार्ट तो काफी सिंपल है, इस एंड से मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया, दैट इज पी स्क्वायर एल क्यू डिवाइड बाई सिक्स ए. ओके, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं. u2 का जब मैं लिखूंगा तो u2 के लिए मेरे को इस पार्ट का मोमेंट लिखना पड़ेगा, राइट, और इस पार्ट का जो मोमेंट है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्शन ऑल्सो. तो एक कॉन्स्टेंट मोमेंट पी इंटू एल वो तो आ ही जाएगा इधर, राइट, पी इंटू एल के अलावा भी इस रिएक्शन की वजह से यहां पे मोमेंट आएगा, तो वी नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है. तो देखो यहां जो मोमेंट आ रहा होगा इसके ऊपर आर ए वी जो वर्टिकल रिएक्शन, इसका कोई रोल नहीं होगा, उसमें रोल होगा खाली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का. हाउ विल आई कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मैं पॉइंट बी के अबाउट में मोमेंट बैलेंस कर देता हूं, यानी कि सिग्मा एट बी इज इक्वल टू जीरो. ओके, एंड सिग्मा अबाउट बी इज इक्वल टू मैं जब जीरो करता हूं तो दिस गिव्स मी आर एच इंटू एल, राइट, ये मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंड पी इंटू एल जो है मोमेंट अपना क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू जीरो. बेसिकली आई एम गेटिंग आर ए एच इज इक्वल टू पी, ये मिल गया मेरे को, इतने यहां पर रिएक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है. अब इस रिएक्शन को मैं यूज करूंगा इसका मोमेंट इक्वेशन लिखने के लिए. तो अगर मैं कोई भी जनरल एक्स लेता हूं, राइट, एक कोई भी एक्स की वैल्यू लेता हूं, उस एक्स पे अगर मैं देखूंगा कि मोमेंट कितना होगा, तो मोमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इस पॉइंट का एक मोमेंट आ रहा था यहां पर रेगुलर, देखो ये इस टाइप की क्वेश्चन होगी बेसिकली अपनी, ये रिएक्शन लग रही है पी की, और इसके अलावा इस पॉइंट का एक मोमेंट आ रहा है दैट इज पीएल, ठीक है, पीएल का एक वहां पे अलग से मोमेंट जो है जनरेट हो रहा है. तो अगर मैं यहां के अबाउट में देखूंगा तो ये मोमेंट है इस तरफ, ये मोमेंट है इस तरफ, तो एम एट एनी जनरल एक्स विल बी हाउ मच, पीएल माइनस पीएक्स, राइट,
अगर ये डिस्टेंस है एक्स है तो ओके अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं. नाउ आई कैन से कि यू टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एल माइनस पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए. और इसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से लेकर एल तक हो रहा है, जीरो से लेकर एल तक की लेंथ के ऊपर ये लग रहा है. तो इसको जो है कैलकुलेट कर लो, वो इसका पहले कर चुके हैं इस चीज को हम अपन ऑलरेडी, ठीक है. कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई राइट इंटू टू. इस टाइप का अपना इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा. देन वी कैन कैलकुलेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू डिवाइड बाई डेल पी. तो यू वन और यू टू को दोनों को एड कर दिया और एडिशन करने के बाद में अपना जो डेल यू बाई डेल पी आता है दैट विल बी फोर डिवाइड बाई सिक्स पी एल क्यूब अपॉन ई आई. ये अपना गया डेल्टा. तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था. ओके अब एक और आर्क वगैरह के क्वेश्चन यूजुअली यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, मतलब गेट में भी पूछा गया है आर्क का क्वेश्चन और ईएससी वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि अगर आर्क तुमको दे रखी है तो उसका तुम कैसे निकालोगे डिफ्लेक्शन. ओके तो लेट्स से आई एम हैविंग ए आर्क ओवर हियर, सर्कुलर आर्क है. ओके सर्कुलर आर्क विच इज फिक्स एट दिस एंड, इस एंड पे वो फिक्स्ड है और इस एंड पे उसको मैंने रोलर जॉइंट दे रखा है, ठीक है. और यहां पे दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके बेसिकली वो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है. यहां पे मैं लोड लगा रहा हूं W, जैसे P लोड यहां पे एक्ट कर रहे हैं. इसकी जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस इज R ओवर हियर, ठीक है. अब नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द दिस मूवमेंट, एक्सियल मूवमेंट ऑफ पॉइंट A कितना होगा बिकॉज ऑफ द लोड P, ठीक है. एक्सियल मूवमेंट ऑफ A बिकॉज ऑफ P, ये मूवमेंट कितना आ रहा है ये मेरे को यहां पे कैलकुलेट करना है. तो व्हाट आई विल डू कि इसकी मैं स्ट्रेन एनर्जी लिखूंगा कितनी आई, ओके. और उस स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर दूंगा, डेल्यू बाई डेल पी कर दूंगा सिंपली. तो पी के डायरेक्शन में मेरे को वो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है. डिफ्लेक्शन हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये उसी डायरेक्शन में देता है जिस डायरेक्शन में पी है, ओके. तो पी के डायरेक्शन में हमारा हमेशा डिफ्लेक्शन निकल के आएगा. तो बट आई नीड टू राइट द मूवमेंट इक्वेशन फॉर दिस. इसके लिए एक मूवमेंट क्या होगा, जनरल एक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है. तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पे मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया एट एन एंगल थीटा जिसकी खुद की जो विड्थ है दैट इज डी थीटा, ओके. तो थीटा पे मैंने यहां पे ले लिया है डी थीटा का एक एलिमेंट, ओके. ये इसकी लेंथ होगी एलिमेंट की, राइट. तो मगर इस एलिमेंट का एम लिख सकता हूं तो टोटल अपना यू होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ऑफ दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट का जितना एनर्जी आ रहा है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे आर्क के ऊपर, ठीक है. तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी लिखने के मेरे को क्या करना है, मोमेंट चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा. तो मोमेंट कितना होगा यहां पे, मोमेंट इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द डिस्टेंस पी के बीच में उस पॉइंट के बीच में. और ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये लेंथ हमारी आर थी तो दिस इज आर साइन थीटा, राइट. आर साइन थीटा की हमारी जो है डिस्टेंस लग रही है, यानी कि मोमेंट एट एनी थीटा वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू आर साइन थीटा. ये होगी मेरी मोमेंट की वैल्यू, ओके. किसी भी जनरल पॉइंट पे थीटा पे मेरी ये मोमेंट की वैल्यू होगी. नाउ आई कैन सिंपली क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर. तो पी आर साइन थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू डीएक्स, डीएक्स होता है डीएक्स यानी कि इस एलिमेंट की लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी होगी आर इंटू डी थीटा के बराबर होगी. तो आर डी थीटा डिवाइडेड बाई टू ई आई. और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से 180 डिग्री तक, जीरो से स्टार्ट होगा एंड 180 डिग्री तक हो जा रहा है, दैट इज माई रेंज ऑफ थीटा. इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा दैट विल गिव मी यू वैल्यू, ओके. यहां से मेरा यू का वैल्यू आ जाएगा. सो दिस विल कम आउट टू बी, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, अंदर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका इंटीग्रेशन देख लो, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे लिखना होता है. एंड दिस विल गिव मी U इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई टू ई आई इंटू पाई बाई टू माइनस साइन टू थीटा डिवाइड बाई फोर. और ये इंटीग्रेट हो रहा है अपना जीरो से लेके पाई तक, ठीक है. एंड फाइनली U इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर क्यूब पाई डिवाइडेड बाई फोर ई आई.
ओके तो क्वेश्चन में खाली स्ट्रेन एनर्जी भी पूछ सकते हैं कि सिंपली इसकी स्ट्रेन एनर्जी बता दो, इस पर्टिकुलर आर्क की स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। अगर हमसे डिफ्लेक्शन पूछा गया यहाँ पे तो सिंपली डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डेल यू डिवाइड बाई डेल पी एंड उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करने पे वी विल गेट कि पी आर क्यू इंटू पाई अपॉन टू ई आई। ओके ये अपना आ गया इसका डिफ्लेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर इन केस हमको एक कितनी केवल एक क्वार्टर आर्क दे रखी होती तो उसमें क्या चेंज होता, खाली जीरो से लेकर पाई बाई टू हो जाता, बाकी सारी चीजें सेम होती और कुछ भी चेंज नहीं होता। ओके तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग अवर कास्टिग्लियानो थ्योरम। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या होती है, उसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कास्टिग्लियानो की हेल्प से स्ट्रेन एनर्जी लिखना, स्लोप निकालना, डिफ्लेक्शन निकालना, अगर वहां पर एक्सटर्नल लोड नहीं दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंटेड लोड नहीं दे रखा है तो वो चीज अज्यूम करना डमी लोड, फिर उसका स्ट्रेन एनर्जी निकाल के उसको जीरो पुट करके कर देना। तो दीज थिंग्स वी हैव सीन इन दिस वीडियो एंड जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अबाउट द बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो कुछ हमने प्योर बेंडिंग की ऑलरेडी बात की थी पिछले वीडियो में, अभी उसका आगे हम उसको लेके जाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस को थोड़ा सा। सो वेल दैट्स इट अबाउट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। आई होप कि आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फाइनली आई कैन टेल यू कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है खाली डिफ्लेक्शन या स्लोप पूछा है तो ट्राई टू डू विद मोमेंट एरिया थ्योरम फर्स्ट। अगर मोमेंट एरिया से नहीं होता है एंड यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी, ट्राई टू डू विद कास्टिग्लियानो। अगर उससे भी नहीं होता है देन गो विद डबल इंटीग्रेशन मेथड। ओके एंड कभी कभी ऐसा भी होगा कि यू कैन ट्राई द दिस अवर रेसिप्रोकल थ्योरम ऑल्सो। ओके सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।